विजय शर्मा एक ऐसा नाम जिसने हिंदूवादी झंडा उठा के एक चुनाव लड़ा और गद्दावर मंत्री या तुष्टीकरण की राजनीति जो बार बार आरोप लग रहे थे कांग्रेस के ऊपर मोहम्मद अकबर बोल रहे हैं लंबे अंतराल के साथ हराया। विजय जी एक तो बहुत बहुत बधाई हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बड़ी जीत आपको तो मिली। क्या है मुक्त अब छत्तीसगढ़ हो जाए? भाजपा की सरकारें जब जब बनती हैं मेहनत से काम होता है। आज़ादी के 50 साल बाद गांव में सड़कों के लिए योजना आई थी, आज़ादी में 50 साल बाद किसान के जेब में क्रेडिट कार्ड आया था, आज़ादी के 50 साल बाद छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। भाजपा की सरकार जब बनती है तो मेहनत से काम होता है साहब। अभी फिर सरकार बनी है, हम सेवा के भाव से राजनीति करेंगे। हर जगह इस सरकार ने पैसा उगाही के लिए सोचा है, भाजपा मेहनत करके काम करेगी। आपने कई ऐसे आरोप लगाए और वो प्रमाणित भी, जैसे आवास घोटाला या चावल का धान घोटाला, तीन घोटालों में क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जांच कराई जाएगी। हम सरकार में हमारे जो मुखिया होंगे उनसे ये बात जरूर करेंगे और बिल्कुल उस पर कार्रवाई के लिए। और एक बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए, जो 2500 रुपये जो देने की बात कांग्रेस ने की और PSC घोटाला, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। PSC घोटाला पर तो जरूर हमारे यहाँ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी कहा था, और इस बार नौजवानों ने गजब की पिटान लगाई है कांग्रेस को। नौजवानों ने जो PSC फाइटर्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फाइटर हैं, उन्होंने गजब का विरोध किया है कांग्रेस का, और इसीलिए किया है क्योंकि उन्होंने विश्वसनीयता कांग्रेस ने खत्म कर दी अपनी। वो हर जगह पैसा हुआ ही करते रहे, उन्होंने हर जगह यही काम किया कि कानून प्रक्रियाओं से कोई लेन देन नहीं, जो उनकी इच्छा हो गई वही सब कुछ है, ऐसा भाव में काम करते रहे। विजय जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हम कवर्धा में भी कवर किए हैं, बाकी छत्तीसगढ़ और जगहों में भी, रोहिंग्या मुसलमानों को अगर उसके लिए क्या आवाज़ उठाई? ऐसे जो जो लोग कवर्धा में होंगे साहब, जब कवर्धा ने की जनता ने जनादेश दे दिया है, ऐसे जो जो लोग होंगे उनको खोजा जाएगा और खोज कर बाहर और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उसमें अधिकारियों का विषय नहीं है, मतलब जो भी जो अधिकारी संलिप्त होंगे घोटालों में। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे, कोई बात ही नहीं, बिल्कुल होगी। लिस्ट बनी हुई है? लिस्ट ऐसा कुछ नहीं है, जांच के उपरांत जो सामने आएगा। क्या मैसेज देंगे? मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं शीश नवाकर प्रणाम करना चाहता हूँ। ऐसे जनादेश की कल्पना भी मुझे नहीं थी जो जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। कवर्धा में भी हम अपने आकलन में सोचा करते थे कि कुछ 15,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की कवर्धा में जीत हो जाएगी। एक बड़ी जीत वहाँ की जनता ने भी दिया है, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, शीश नवाता हूँ। जनता के सामने शीश नवाते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई होनी है और जो उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और कवर्धा की अगर बात करें तो उसमें अगर अवैध रूप से कोई भी नागरिक वहाँ पर बसा हुआ है तो उसकी खोजबीन करके उसे निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा, IPM न्यूज़ रहा।